तो अगर हम ये बात करें कि ये कितने मिलीमीटर तक एक्सपेक्टेड है, और खास तौर पे जो शहरों में अभी इस वक्त जो अर्बन फ्लडिंग का क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है? देखिए, मिलीमीटर के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त जो है ये एक डीप डिप्रेशन की सूरत में है। डीप डिप्रेशन में बेसिकली ये होता है कि ये जो सिस्टम है ये इंतहाई ताकतवर हो जाता है, लेकिन जो रेन बैंड्स होते हैं, जो रेन्स का जो सिलसिला होता है, वो भी इसके सेंटर की तरफ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कन्फाइंड हो जाता है, क्योंकि ये एज अ सर्कुलर मोशन में होता है, और मोशन जितनी ज़्यादा जो है वो तेज़ होती है, सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है, वो सारे जो रेन बैंड्स हैं वो उसके सेंटर के पास मौजूद रहते हैं। जैसे जैसे ये अपने ट्रैक की तरफ पर चलेगा, जहाँ जहाँ से ये गुजरता हुआ जाएगा, जैसे अगर हम बात करें जुनूब मशरकी, मशरकी सिंध के इलाकों की, बदीन के इलाकों की, और खट्टा के इलाकों की, सजावल के इलाकों की, केटी बंदर के इलाकों की, तो यहाँ पर जो है वो पूरे ओवरऑल स्पेल में जो है वो 250 से 300 मिलीमीटर, कुछ इलाकों में थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी जो है वो हम बारिशें ईजीली देख सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन हो गया या डीप डिप्रेशन हो गया, इन सिस्टम्स की ये खासियत होती है कि जिन इलाकों से भी गुजरते हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट्स की जो है ये रेन डंप करते हैं उन इलाकों में। अगर कुछ स्टेट्स के हवाले से बात करूँ तो इंडियन गुजरात रीजन में, राजस्थान रीजन के आसपास, जहाँ पर ये सिस्टम पिछले 12-18 घंटों से मौजूद है, फर्दर वेस्ट मूव कर रहा है तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, इन इलाकों में ऑलरेडी जो है वो 300 साढ़े 300 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है पिछले ये 24 तो घंटों काफी में। ज्यादा, ये तो अर्बन फ्लडिंग की तरफ नहीं लेके जाती उन इलाकों में ये भी। एक प्रॉपर फ्लडिंग सिचुएशन है उन इलाकों में, क्योंकि वैसे ही वहां पर जो है वो मॉनसून की इस साल काफी ज्यादा बारिशें देखी गई हैं, जिस तरह हमारे जुनूब मशरकी सिंध में और सिंध के कुछ इलाकों में इतने रिसेंटली देखा कि काफी हैवी रेनफॉल हुई है, और इन इलाकों में जी ये अनएक्सपेक्टेड भी थी ये रेंज। नहीं, अनएक्सपेक्टेड ऐसे नहीं थी, क्योंकि डिप्रेशन में और इस तरीके के जो सिस्टम्स बनते हैं ना, यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतनी ज़्यादा जो है वो हैवी रेनफॉल होगी और फ्लडिंग सिचुएशन रहेगी। अब जैसे जैसे ये मजीद वेस्ट की जानब मूव करेगा, ये सारी बारिशों का जो जोर है वो हमारे इलाकों की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। कराची के अलावा हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये मैं बिल्कुल मिनिमम उसके ऊपर रख के एवरेज पर अगर आपको मैं बताऊँ तो कराची के अक्सर इलाके जो हैं वो 60 से 80 मिलीमीटर बारिश जो है वो आराम से देख लेंगे इस स्पेल के दौरान, ये मिनिमम है। जबकि बहुत सारे इलाके ऐसे भी होंगे जो ट्रिपल डिजिट्स यानी कि 100 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें भी देख रहे होंगे, कह सकते हैं कि 150 या 200 मिलीमीटर के करीब जो है वो कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो ओवरऑल इस स्पेल के एंड तक जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है। कराची के लिए जो मेन डेज हैं और वो 27 तारीख से लेके तकरीबन 30 अगस्त तक जो है, लेकिन सिस्टम का ये जो असर है ये 31 अगस्त और इवन के 1 सितंबर तक भी जो है वो कराची समेत लोअर सिंध में रहेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि कराची में जैसे हमने पिछले 20 दिनों में देखा है कि जो बारिशें हुई भी हैं वो एक छोटे छोटे से इलाकों तक महदूद रही हैं, तो क्या ये जो डीप डिप्रेशन है क्या ये सिर्फ इलाकों तक के लिए ये क्लाउडिंग सिस्टम है? और जो आप बात कर रहे हैं कि 60 से 70 मिलीमीटर तक एक्सपेक्टेड है, तो ये क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन तो नहीं क्रिएट कर रहा है डीप डिप्रेशन? देखिए नहीं, ये वाला जो अब जो स्पेल है ये वाइड स्प्रेड होगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक सिस्टम है और बहुत करीब से जो है इसका कोर हमारे शहर के करीब से गुजरेगा। कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी भी है कि बिल्कुल शहर के ऊपर से भी होता हुआ गुजरे, लेकिन उसके चांसेस फिलहाल कम है। कहीं से भी ये थोड़ा बहुत करीब से भी गुजरता है तो ओवरऑल ये अक्सर इलाकों में काफ़ी वाइड स्प्रेड स्पेल होगा, जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर मानसून की बारिशें हुआ करती हैं। इस साल जो है जी वो जो टुकड़ों टुकड़ों में हमने देखा कि बारिशें तो तेज़ हुई, लेकिन अगर तेज हुई तो वो सिर्फ नॉर्थ के इलाकों तक लिमिटेड थी या साउथ के इलाकों तक लिमिटेड थी। आप सदर के इलाके से थोड़ा सा बाहर निकले साउथ से तो बिल्कुल सूखा हो जाता था, या नॉर्थ के जी इलाकों से आप थोड़ा सा आप आगे निकले नाजमाबाद के इलाकों से, थोड़ा सा आगे आप शहर की तरफ, मिडिल शहर की तरफ आए, सेंट्रल के इलाकों की तरफ, तो बिल्कुल सूखा होता था, साउथ बिल्कुल सूखा होता था। ये जो बिल्कुल स्पेल है ये वाइड स्प्रेड होगा, बादल वही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जानब से ही आएंगे, जिस तरह हमारे खट्टा बदीन और फिर उसके बाद नूरियाबाद हैदराबाद के जो साइड जो हमारी लगती हैं वहीं से बादल आना शुरू होंगे, लेकिन फिर ये पूरे शहर को जो है वो इस कवर करेंगे। इस वक्त भी कुछ देर पहले गुलशन हदीद और पोर्ट कासिम वगैरह में काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई है। कुछ प्राइवेट रीडिंग्स की जो अगर हम बात करें वेदर स्टेशन की, तो वहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास जो है वो बारिशें ऑलरेडी अपडेट हो चुकी हैं। ये अनऑफिशियल है, प्राइवेट वेदर स्टेशन की रीडिंग है, तो वहां तक तो ये रेन बैंड जो है वो उन्होंने टच करना शुरू कर दिया है। अब जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, फर्दर
वैसे वैसे जो बारिशों का जो जोर है और रेन बैंड का जो सिलसिला है वो मजीद शहर के इलाकों को भी कवर करना शुरू कर देगा।